जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ब्रदर्स यूनिक आइडिया पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है। आपका ऑप्शन ए नेपाल भारत, ऑप्शन बी नेपाल तिब्बत, और ऑप्शन सी नेपाल, और ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों आप सभी का समय प्रारंभ हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। आपका ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पारादीप, और ऑप्शन डी कांडला। तो दोस्तों आप सभी का समय प्रारंभ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो दोस्तों आप सभी का समय प्रारंभ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। आपका ऑप्शन ए वर्ष 1962, ऑप्शन बी वर्ष 1965, ऑप्शन सी वर्ष 1969, और ऑप्शन डी वर्ष 1972। तो दोस्तों आप सभी का समय प्रारंभ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ष 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आप सभी का समय प्रारंभ हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है। आपका ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी गुवाहाटी, और ऑप्शन डी नागपुर। तो दोस्तों आप सभी का समय प्रारंभ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नागपुर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। आपका ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों आप सभी का समय प्रारंभ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। आपका ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आप सभी का समय प्रारंभ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के होते हैं। आपका ऑप्शन ए जोधपुरी, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी गोमट, और ऑप्शन डी जैसलमेरी। तो दोस्तों आप सभी का समय प्रारंभ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बीकानेर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में शुद्ध संचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है। आपका ऑप्शन ए 7.7%, ऑप्शन बी 8.9%, ऑप्शन सी 8.8%, और ऑप्शन डी 5.9%। तो दोस्तों आप सभी का समय प्रारंभ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है। आपका ऑप्शन ए चंबल यमुना, ऑप्शन बी रावी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज रावी, और ऑप्शन डी ब्यास सतलज। तो दोस्तों आप सभी का समय प्रारंभ होता है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी व्यास सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया। आपका ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1927 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1944 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1932 ईस्वी में। तो दोस्तों आप सभी का समय प्रारंभ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1927 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है। आपका ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी हरियाणा। तो दोस्तों आप सभी का समय प्रारंभ होता है। चलते हैं, सॉरी दोस्तों, अब आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। आपका ऑप्शन ए गंग नहर, ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना और ऑप्शन डी सिकरी नहर। तो दोस्तों आप सभी का समय प्रारंभ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंग नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणगंग नदी का उद्गम स्थल है। आपका ऑप्शन ए अरावली पर्वत, ऑप्शन बी वैराट की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी जमनोर पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वत। तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वैराट की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंतिक किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। आपका ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी यहूदी धर्म, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी का समय प्रारंभ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए शिमला प्रपात जल शिमला प्रताप, ऑप्शन बी जोग प्रपात, ऑप्शन सी कोल्टालम प्रपात और ऑप्शन डी होगिनस्कल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जोग प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। आपका ऑप्शन ए जी वी मवलंकर, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी के वी के सुंदरम और ऑप्शन डी टी स्वामीनाथ। तो दोस्तों आप सभी का समय प्रारंभ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम भारतीय प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह था। आपका ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी भास्कर और ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो दोस्तों आप सभी का समय प्रारंभ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। आपका ऑप्शन ए फ्रांस्वा लंदन, ऑप्शन बी श्री रामाफोसा, ऑप्शन डी प्रथुत चान उसोखा और ऑप्शन डी हिलमा याकूब। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिरिल रामाफोसा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, अगर ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।